न उम्र की सीमा हो न जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये बात और कोई समझे या न समझे, सुष्मिता और ललित मोदी ने तो समझ ही ली है। तभी तो उम्र और बाकी तमाम बातों को ताक में रखकर ये दोनों डूबे हैं इश्क में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA के अध्यक्ष रहे ललित मोदी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट कर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। राजस्थान के नागौर जिले से क्रिकेट की दुनिया में सिक्का जमाने वाले ललित मोदी को RCA अध्यक्ष बनाने के लिए तत्कालीन सरकार ने नियम तक बदल डाले थे। 56 साल के मोदी बॉलीवुड एक्ट्रेस सेन से जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। दरअसल ललित मोदी ने क्रिकेट के साथ साथ राजस्थान सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर भी पकड़ बना ली। तबादले और मंत्रियों के काम भी उनकी सिफारिश पर होने लगे थे। इंडियन प्रीमियर लीग से क्रिकेटर्स और BCCI तक को इन्होंने मालामाल कर दिया। ललित कैसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे और कौन से वो विवाद थे जिनके चलते RCA ने सालों तक मुसीबतें झेली। साल 2002 का समय था। ललित मोदी ने राजस्थान के नागौर जिला क्रिकेट संघ से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। उन्होंने जीत दर्ज की। जीत के बावजूद ललित RCA के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ पाए। तब RCA पर किशोर रूंगटा के गुट का कब्जा था। उस वक्त RCA के आजीवन सदस्य भी वोट दे सकते थे। इनमें से अधिकतर सदस्य रूंगटा गुट के ही बनाए गए थे। ये हर बार किशोर रूंगटा को ही समर्थन देते थे। ऐसे में ललित मोदी की RCA में एंट्री पर ब्रेक लग गया। साल 2003 में राजस्थान में BJP की सरकार बन गई और इसके बाद देश में पहली बार ललित मोदी को RCA का अध्यक्ष बनाने के लिए नया स्पोर्ट एक्ट बनाया गया। इसके तहत आजीवन सदस्यों को वोटिंग राइट को ही खत्म कर दिया गया। एसोसिएशन के इतिहास में ये पहली बार था जब सिर्फ जिला संघ के पदाधिकारियों को वोटिंग राइट्स दिए गए। ललित मोदी का अब रास्ता साफ हो चुका था। सालों से कब्जा जमाए रूंगटा ग्रुप को उन्होंने उखाड़ फेंका था। साल 2005 में ललित मोदी RCA के पहली बार अध्यक्ष बने। अध्यक्ष रहते हुए ही ललित मोदी BCCI के उपाध्यक्ष भी रहे। साल 2008 में ललित मोदी ने ड्रीम प्रोजेक्ट IPL के पहले सीजन को शुरू किया। इसमें उन्हें बतौर चेयरमैन और कमिश्नर IPL के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साल 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग विवाद के बाद ललित मोदी देश से फरार हो गए और इसके बाद BCCI ने भी उन्हें पदमुक्त कर दिया। ललित अब भी फरार चल रहे हैं। क्रिकेट में अपनी साख गंवाने के बाद ललित मोदी ने साल 2010 में एक बार फिर RCA के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तत्कालीन IAS अधिकारी संजय दीक्षित ने उन्हें हरा दिया। संजय दीक्षित भी ज्यादा समय तक अपने पद पर काबिज नहीं रह पाए। साल 2010 में ही ललित मोदी संजय दीक्षित के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए और इसके बाद CP जोशी RCA के अध्यक्ष बने और ललित मोदी की छुट्टी हो गई। साल 2013 में ललित मोदी ने BCCI में लगे बैन के बावजूद एक बार फिर RCA के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। इस बार अधिकतर जिला संघों ने ललित मोदी के समर्थन में वोट किया था, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिल गई। BCCI ने RCA के चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए ललित मोदी के चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी। साथ ही RCA को भी सस्पेंड कर दिया। साल 2013 से 2018 तक 5 साल RCA ललित मोदी की वजह से बैन रही। RCA का अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता में भी ललित मोदी ने अपनी पकड़ बना ली थी। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों से लेकर कैबिनेट के अधिकांश मंत्रियों से सिफारिश करने में भी ललित मोदी आगे रहते थे। ललित मोदी को आमेर महल से जुड़ी कुछ हवेलियां कौड़ियों के दाम पर बेचने का आरोप लगा। विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ गया। इसके बाद महज 10-10 लाख में बेची गई बेशकीमती हवेलियों की नीलामी पर रोक लगानी पड़ गई थी। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।